वाराणसी में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा 48वें श्री श्याम महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें श्याम मंदिर में मंदिर से 551 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्याम नाम की मेहंदी भी लगाई। कलश यात्रा मंदिर से चलकर शहर के मुख्य बाजारों से गुजरते हुए श्याम भक्तों ने बाबा का गुणगान किया और झूमते गाते नजर आए। वहीं श्याम मित्र मंडल के रामस्वरूप सिंगला ने बताया, पिछले 47 वर्षों से श्याम मित्र मंडल व श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस भव्य श्याम महोत्सव का आगाज किया जाता रहा है, जिसमें 551 विवाहित महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 3 दिवसीय इस आयोजन को बड़ी धूमधाम से श्याम भक्तों द्वारा मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि हिंदू रीति रिवाज अनुसार किसी भी शुभ कार्य करने के लिए पहले कलश की स्थापना की जाती है, इसलिए ये यात्रा निकाली गई। आज श्याम श्री श्याम मंदिर हंसी का 48वां वार्षिक उत्सव आज से शुरू हो गया है और इसमें सर्वप्रथम आज कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसके अंदर 550 कलश एक ही वस्त्र वेशभूषा के अंदर सभी लेडियों ने मिलकर उठाए हैं। और इसके बाद शाम को 7 बजे बाबा की भव्य सवारी रथ यात्रा निकाली जाएगी और कल सुबह ध्वजा यात्रा होगी और कल शाम को रात्रि 9 बजे के बाद श्री श्याम जागरण का आयोजन किया गया है और रविवार को एक नानीबाई का मायरा आयोजित किया जाएगा, जिसमें जया किशोरी जी अपने अरविंद से नानीबाई का मायरा का गुणगान करेंगे। मैं सभी भक्तों को इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। और कलश यात्रा का महत्व ये है कि जो भी हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भी हम कार्य करते हैं उसमें पहले कलश की स्थापना की जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर श्याम मित्र मंडल और श्याम मंदिर ट्रस्ट जो है सब सर्वप्रथम कलश यात्रा का आयोजन करता है। हांसी से केशव दमीजा। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।